नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी और शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिसमें एक बार फिर से पंकज चौधरी जो आईपीएस हैं, जो विवादों से पहले से जुड़े रहे हैं, वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए, क्योंकि हरियाणा के फतेहाबाद में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और महिला आईपीएस अफसर के बीच हुए विवाद के बाद में महिला आईपीएस अफसर का तबादला कर दिया गया है। महिला अफसर के तबादले के बाद राजस्थान कैडर के आईपीएस अफसर पंकज चौधरी ने सिस्टम पर करारा हमला किया है। जैसलमेर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंकज चौधरी ने सिस्टम की खामियों की वजह से पुलिस की बिगड़ी छवि पर चिंता जाहिर की, साथ ही ब्रिटिश कालीन पुलिस एक्ट में बदलाव की मांग की है। पंकज चौधरी का मानना है कि पुलिस अधिकारियों के असमय ट्रांसफर पोस्टिंग की वजह से उनके कामकाज पर, मनोविज्ञान पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने तबादले और पोस्टिंग के लिए समय सीमा तय होने की वकालत की है। तो यह है पंकज चौधरी का एक बार फिर से सीधा बयान। पंकज चौधरी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करते हुए इस बात को कहा है। शीर्षक उन्होंने दिया है, पुलिस एवं जनता कितने दूर कितने पास, और आखिर में वो इसमें लिखते हैं न जाति न धर्म न क्षेत्र, देश सर्वोपरि, जय हिंद। अब क्या पंकज चौधरी एक पार्टी की तरह बिहेव करने लगे? यह भी एक सवाल है, अहम सवाल है कि पुलिस अधिकारी का पुलिस के रिफॉर्म्स को लेकर या सिस्टम को लेकर इस तरह से खुले में आकर के बयान देना जताता क्या है और क्या तर्क है, क्या वजह है कि उनको ऐसा करना पड़ रहा है, ऐसी कौन सी भावनाएं उनकी आहत हुई हैं? यह अहम सवाल है। और सवाल यह भी है कि जब आम आदमी नहीं हो पा रही चीजों को लेकर, पुलिस के कामकाज को लेकर जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछेगा, तो क्या जनप्रतिनिधि का यह दायित्व नहीं है कि वो उल्टा पुलिस से इस बारे में सवाल करे या पूछे? क्या पुलिस के अंदर स्थितियां ऐसी हो गई कि पुलिस को स्वायत्त कर दिया जाए, उनके पास सारी शक्तियां दे दी जाए, उनको एक ऐसे आत्मनियंत्रित ढांचे में ढाल दिया जाए जहां से वो जो कुछ करना चाहें वो कर पाए? क्या राजनीति उनको ऐसा करने से रोकती है? ये वो अहम सवाल हैं जो पंकज चौधरी से ही पूछे जाने चाहिए। हालांकि उन्होंने इसके अंदर अपने इस प्रेस रिलीज के अंदर साफ साफ यह बात कही है कि दीमक की तरह सिस्टम जो है वो भ्रष्ट अधिकारी खाते जा रहे हैं और अब इसमें सुधार की जरूरत है। तो यह है एक प्रेस नोट जो जारी किया गया है पंकज चौधरी की तरफ से। पंकज चौधरी खुद अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। पंकज चौधरी साहब का रुख करते हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो यह समझाएं कि ये प्रेस रिलीज जारी करने का मकसद क्या, मतलब क्या, क्यों आपको ये प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ गई? नहीं नहीं, जैसा कि ये जो प्रेस रिलीज है, ये प्रेस रिलीज कोई नहीं है, ये अपनी तरफ से आर्टिकल्स मेरे लिखने की आदत है और मैं समय समय पे अपनी भावनाओं को रखता हूं। जो है ये कोई प्रेस रिलीज नहीं है, ये अपनी तरफ से एक आर्टिकल है और जो कि एक ठीक है, ये आर्टिकल लिखने की जरूरत क्या पड़ गई? चलिए हम इसको आर्टिकल मान लेते हैं। इसको आर्टिकल को लिखने के पीछे की जरूरत क्या थी? आपको क्यों इस तरह से अपनी तल्ख भावनाओं को रखना पड़ गया? नहीं नहीं, देखिए, जैसा कि मैं पुलिस की नौकरी में पिछले 6 सालों से हूं और लगातार हम जिस सेवा में चयनित होकर आते हैं और जिस भावनाओं के साथ इस सेवा में अपनी सर्विस को देना चाहते हैं, उसमें जो तमाम बाधाएं हम जब ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं, तो जो भी बातें एक नकारात्मक या कह लीजिए कि अन्यायपूर्ण होती है, तो उसको सामने रखने का प्रयास भी समय समय पर होता है। और जब अपने आसपास प्रदेश देश में जब चीज़ें घटित होती हैं, तो अपनी जो व्यक्तिगत व्यथा है या अपना व्यक्तिगत जो अनुभव है, उस अनुभव को जब हम जोड़ के देखते हैं, तो ये पाते हैं कि ये स्थितियाँ ऐसी नहीं कि हमारे साथ ही घटित हो रही हैं, अन्य लोग भी विक्टिमाइज हैं। जैसा कि हरियाणा की घटना है, इस हरियाणा घटना ने 24 घंटे के अंदर के जिस तरह का रिएक्शन और जिस तरह की बातें निकल के आती हैं, वो स्पष्ट रूप से एक गलत मैसेज देता है। और मैं चूंकि पिछले 6 वर्षों से इस जॉब में मेरी पहली च्वाइस एक पुलिस अधिकारी की रही है और मैंने पहली च्वाइस लेके इस जॉब को चुना है, मैं इस जॉब से बहुत प्रेम करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए कहीं ना कहीं मैं इस जॉब को लेकर एक इमोशनल भी हूँ और मेरी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। कोशिश ये रहती है कि हम समाज और जनता के लिए अधिक से अधिक कार्य करें, लेकिन जब
किसी भी तरह का पुरस्कार या दंड मिलता है और उसमें कोई पारदर्शिता नहीं रखी जाती है तो कहीं ना कहीं एक पीड़ा महसूस होती है। जैसा कि हरियाणा का मैटर है, जो एथिक्स है, एथिक्स हर व्यक्ति के ऊपर लागू होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष पे एथिक्स लागू नहीं होता, ये समाज के हर प्राणी पे, हर वर्ग विशेष पे लागू होता है। लेकिन जिस तरह की घटना कल की, दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और मैं इसको अपने स्वयं के उदाहरण, अपने स्वयं के अनुभवों से जोड़ सकता हूँ। मैं पिछले एक वर्षों से चीजों को लेकर विक्टिमाइज हूँ। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि जिस घटनाओं को लेकर बहुत ही त्वरित रूप से ट्रांसफर करके और नकारात्मक रूप से प्रेषित किया गया, उसको मैं बाहर निकालने का प्रयास कर रहा हूँ और लगातार उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ पिछले एक सालों से। लेकिन जब मैं अपने आसपास या देश में चीजों को देखता हूँ तो मेरा मन कहता है कि नहीं, इस तरह की चीजें ऐसा नहीं कि यहाँ पे है, बाकी जगह भी होती हैं और इस पर एक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। ठीक है पंकज जी, गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट खोलना कोई छोटा मोटा काम नहीं था जो आपने किया था, इसके लिए आप, इसलिए आपकी सराहना भी हुई, कई लोगों ने आपको सराहा भी, आपकी एक दबंग छवि भी देखी। लेकिन आपने कहा कि आपको पुलिस सर्विसेज से प्यार है, आपने इसलिए इस तरह के वक्तव्य जारी किए, लेकिन वक्तव्यों को देखने और पढ़ने के बाद, सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आपका पहला प्यार आईपीएस ना होकर के, पुलिस सर्विसेज ना होकर के राजनीति है। क्यों आप पुलिस को एक पार्टी बनाना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये अभी चूंकि मैं आपको बताया कि 6 वर्षों की मेरी नौकरी है, अभी बहुत सी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो मैंने अभी अपनी 15 साल की नौकरी मैंने कर लिया है। मैंने पहले भी 2-3 नौकरियाँ की हैं और उन नौकरियों के बाद में 4थी नौकरी मैं पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ जो है, और इस नौकरी को बहुत ही लगाव से मैं अपने कार्यों को, अपने ट्रेनिंग के समय से, चाहे वो कोटा का पीरियड हो, चाहे बांसवाड़ा का पीरियड हो, चाहे जैसलमेर का हो, चाहे अजमेर का हो, चाहे बूंदी का हो, चाहे दिल्ली का हो, सभी जगह मैंने चीज़ों को सही ढंग से रखने का प्रयास किया। लेकिन जब हम ये पाते हैं कि जब हम कोई प्रयास समाज के लिए या जनता के लिए, जवानों के लिए करना चाहते हैं और उसमें जब बाधाएं विभिन्न प्रकार से एन-केन प्रकरण आते हैं तो उस बाधाओं को हम से हम सीखते भी हैं, पंकज जी, निकलना भी चाहते हैं, लेकिन जब वो बारंबार चीजें होती हैं। पंकज जी आप कह रहे हैं कि आप सिस्टम के विक्टिम हैं, पंकज जी आप कह रहे हैं आप सिस्टम के विक्टिम हैं, पंकज जी आप कह रहे हैं सिस्टम के विक्टिम, और जो प्रारूप आपने लिखा है, जो आपने लिखा है उस सब में ये दर्श रहा है, ये आपका एक दर्द छलक रहा है। हरियाणा में जो कुछ हुआ, क्या आप उसको रिलेट करते हुए ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ है? नहीं नहीं, हरियाणा से रिलेट करने की बात नहीं है। हरियाणा की जो घटना है उस घटना पे मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, मैंने जहाँ तक इस घटना के बारे में मैंने जितनी भी जानकारी ली है और जितना मुझे ज्ञान है उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि जो भी चीज़ हुई है वो बायस्ड हुई है। उसमें मतलब एक आईपीएस अधिकारी के सम्मान को भी रखना जरूरी है, और एक जो आईपीएस अधिकारी होता है, आईपीएस अधिकारी जो होता है वो जिले का मुखिया होता है। जिले का मुखिया मतलब कि उसको जिले के तमाम जनता या जमान जो जवान हैं, अधीनस्थ हैं, वो उसको बहुत ही ध्यान से देखते हैं। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें घटित होती हैं तो कहीं ना कहीं मनोबल पे प्रभाव उस अधिकारी के साथ साथ तमाम अधीनस्थ कर्मियों पे भी पड़ता है। तो इसको बहुत ही अलग तरीके से देखने की जरूरत है। ऐसी घटना कोई आम घटना नहीं है कि आपने किसी को गेट आउट कह दिया और आपने 24 आवर्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो ये तो बिल्कुल एक बायस्ड चीज़ें निकल के आ रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि कि इतनी जल्दीबाजी करने की कहां हो सकता है, बिना किसी जांच के, बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। मैं इसको खुद के अनुभव को, चूंकि मैं पिछले कई वर्षों से चीजों को देख रहा हूं, पंकज जी, इसलिए मैं वो पंकज जी आप ये कहना चाह रहे हैं जो संगीता जी के साथ में हुआ हरियाणा में वो बिल्कुल गलत हुआ, यह सिस्टम के दबाव में किया गया, यह सिस्टम की का गलत तरीका था इसको डील करने का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो घटना कल हुई है उस घटना में जिस तरह से परिणाम सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं बायस्ड है, और इसमें संतुलन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, एथिक्स सभी के लिए लागू होता है, एथिक्स किसी 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 पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है। आप ये भी कह रहे हैं कि जो नेता है, जो राजनीति है, वो अधिकारियों को स्वच्छंद होकर काम करने से रोकती है, और ये ऐसा आप अपना एग्जाम्पल देते हुए भी कहते हैं? नहीं
नहीं, विभिन्न समूहों पे तमाम बधाई, मैं सिर्फ नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हम अपने पुलिस विभाग में भी देखते हैं कि अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, जो है अच्छे लोग मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अच्छे जो उच्च अधिकारी हैं वो मनोबल को बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं, और जो नकारात्मक अधिकारी हैं वो मनोबल को तोड़ने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये होती है जब आप काम करते हैं तो नकारात्मकता आपके ऊपर जब ज़्यादा हावी होती है, अब जो एक आईपीएस अधिकारी जब इसको फील करता है तो वो कहीं ना कहीं प्रभाव जो है जिले में या उसके अधीनस्थ कर्मियों पर भी कहीं ना कहीं लक्षित होता है, क्योंकि नीचे का जो कर्मी है वो अपने मुखिया को या अपने जिले के एसपी को या उच्च अधिकारियों की तरफ देखता है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जितनी सकारात्मक चीजें हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जिस सिस्टम में उसमें दंड देने की प्रवृत्ति जो है बहुत ज्यादा है, किसी को पनिश करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है सिस्टम में। नकारात्मकता आप देखते कहां है, क्या प्रॉब्लम है उसकी आप देखते कहां है? आपको आपका क्या ये कहना है कि कोई भी पुलिस अधिकारी अगर ऊपर ऊपर के अपनी बात रखता है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, उसको कहीं और लगा दिया जाता है? नहीं, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है, हर आदमी को स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि किसी किसी वर्ग विशेष को या किसी को ये चीज बिल्कुल उसके लिए कॉपीराइट है कि नहीं आप ही बोल सकते हैं बाकी नहीं बोल सकते। अपने विचार रख सकता है, अपने 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 भावनाओं को आप रख सकते हैं, लेकिन जहां तक मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, पुलिस में ऐसे बताया कि अच्छे लोग भी हैं बुरे अधिकारी भी हैं, अच्छे जवान भी हैं बुरे जवान भी हैं। तो एक पुलिस की जो व्यवस्था है पूरे एक टीम के रूप में काम करती है, और जब टीम जब पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं काम करती तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक सपोर्ट सिस्टम जो पुलिस विभाग में जरूरत है, उस सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि ये जो घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं ये बताती हैं, चाहे हरियाणा घटना हो चाहे मैं अपना खुद का मैं उदाहरण देखता हूं तो मैं पाता हूं कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम की बहुत ही नितांत आवश्यकता है, क्योंकि एक जवान जो है जिले के एसपी को की तरफ नजर रखता है कि हमारे ऊपर कोई बात होगी तो हमारे जिले का एसपी मेरे पर ध्यान रखेगा, चाहे वो बात सच्ची चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक। उसी तरह एक एसपी नैनवा की घटना के बाद में, नैनवा की घटना के बाद में पंकज जी आप अपने आप को सिस्टम का पीड़ित बताते हैं, ऐसा क्या है जो 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 पीड़ित कर देता है किसी को? नहीं नैन नहीं, देखिए नैनवा घटना ये आपके सामने पहले भी हमने इस चीज को रखा है, और पिछले एक वर्षों से इसका हम प्रयास कर रहे हैं। हमने हमारे खिलाफ एक चार्जशीट भी शासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा जारी की गई है, इसका मैंने विरोध भी किया है, इसके लिए मैं दो दो तीन तीन रिमाइंडर भी किए हुए हैं सेक्रेटरीट को कि हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने मांगे हैं वो हमें दिया जाए, लेकिन अभी तक वो डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले नहीं है, और इन डॉक्यूमेंट्स के मिलने के बाद हम समग्र रूप से सारी बातों को रखेंगे, क्योंकि अभी बिना कुछ डॉक्यूमेंट। अब मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जिस हम चैनल को लेकर चलते हैं, जिस प्रोटोकॉल को लेकर चलते हैं, तीन तीन रिमाइंडर करने के बावजूद भी आपको जो सूचनाएं चाहिए, जो आपको दस्तावेज चाहिए, वो आपको नहीं प्राप्त होते। तो कहीं ना कहीं कुंठा होती है कि एक आरोप तो आपने लगा दिया, लेकिन आरोप लगाने पे सामने वालों को आप जब मौका देते हैं तो आप उसकी मांगों की भी पूर्ति करना आपकी आवश्यकता है, लेकिन जब ये दो महीने तीन महीने का समय निकल जाता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, चीजों को कहीं ना कहीं जो है नकारात्मक रूप से या चीजों को ठंडा करने का प्रयास हो रहा है। ये जब घटना कल की जो घटना हरियाणा की हुई है तो ये मुझे खुद से लगता है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, और मैं तो उस घटना से मुझे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं तो अलग अलग तरह की घटना है, लेकिन जिस तरह का जो रिजल्ट आया, जिस तरह का चीजें सामने निकल के आई 24 घंटे के अंदर, तो वो बैलेंस्ड मुझे नहीं लगता है। एक 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 अधिकारी को आपने तुरंत ट्रांसपोर्ट कर लिया, तुरंत आपने कहीं सो कॉल्ड संटिंग में डाल दिया बिना कुछ जाने समझे कि क्या उसके पीछे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके अधीनस्थ कर्मियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस आईपीएस अधिकारी का क्या उसका सैली रही है, उसने कैसा काम किया है, कैसा फीडबैक रहा है जिले के अंदर, बिना कुछ जाने आपने उसका ट्रांसपोर्ट कर दिया। ये चीज मैं खुद को भी महसूस करता हूं, बूदी से जब मेरा ट्रांसपोर्ट हुआ था तो मैंने भी यही बात रखी थी कि ये बहुत ही चीजों को बिना कुछ समझे किसी की किसी अपने स्वार्थों को रख के और किसी वर्ग विशेष को रख, अगर कोई चीज आप करते हैं तो उसका दुष्परिणाम सामने आता है। ये वर्ग विशेष आप कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहां किस लेवल पे होता है आपको क्या लगता है पंकज जी? ये किसी जाति धर्म के आधार पर होता है या फिर मुखरता के आधार पर होता है? नहीं, या फिर चाटुकारों को अलग तरह से डील किया जाता है, जो समझदार होते हैं या जो काम करना चाहते हैं उसको अलग रखा जाता है? ये डिस्क्रिमिनेशन क्या समझे हम? देखिए, जैसा कि मैंने आपको अपने अपने में हम हमेशा अपने पत्राचार में या जब भी मैं कोई बात करता हूं तो मैंने अपना स्लोगन खुद का ईजाद किया हुआ ट्रेनिंग के दौरान, जो है न जाति न धर्म न क्षेत्र देश स्वरूपित जय हिंद। अभी आपने संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया, संविधान के ऊपर तमाम बातें हुई, सब संविधान हमारा सर्वोच्च है, संविधान हमें रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शन करता है, लेकिन जब हम संविधान की भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं और फिर कोई बाधाएं निकल के आती हैं, जब हम कहीं किसी संकीर्णता की तरफ मूव करते हैं या किसी वर्ग विशेष के द्वारा या कह लीजिए कि हम अपने उच्च अधिकारियों में भी दो
गुटों को देखते हैं, दो वर्गों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार सभी लोग अगर एक साथ होकर चले तो कितना अच्छा रहे। लेकिन जब ये पाते हैं कि नहीं, कुछ लोग तो आपके लिए नकारात्मक है, कुछ लोग गिनती के हैं जो आपके लिए सपोर्टिंग हो सकते हैं, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो चीज़ सही है तो सही है, जो चीज़ गलत है तो गलत है। जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने हितों को देखते हुए किसी चीज़ को सही कर दें और किसी चीज़ को गलत ठहरा दें। जो है और मेरा यही कहना है कि जो घटनाएं देश में और जगह हो रही हैं, मैं तो खुद पिछले 5-6 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहा हूं और सीखने का भी प्रयास कर रहा हूं कि मैं जितना कुछ पुलिसिंग के लिए कर सकता हूं। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कह सकता हूं, चाहे वो जैसलमेर हो, चाहे बूंदी हो, चाहे दिल्ली की भी 1 साल की पोस्टिंग रही है, हमने पूरा अपना आउटपुट दिया वहां पर, पूरा हमने प्रशंसा के साथ बहुत ही अच्छे मनोबल के साथ वहां काम किया। और हम ये उम्मीद भी करते हैं, जब हम अच्छा काम करते हैं तो हम उम्मीद भी करते हैं कि हमें जो है उस तरह की चीजें उस परिप्रेक्ष्य में मिलनी चाहिए जो है। लेकिन जब ये पाते हैं कि आप जो है आपके काम का कोई मतलब नहीं, आपके मेरिट का कोई मतलब नहीं, आपके मनोबल का कोई मतलब नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम इन चीजों को अपने अपने विचारों को रखने का प्रयास करते हैं कि चीजें भविष्य में संतुलित होनी चाहिए। पंकज जी क्या ये माना जाए आप सूर्य प्रताप सिंह और जो ठाकुर साहब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो रहे हैं, क्या आप उनसे प्रभावित होकर के काम कर रहे हैं एक रिबेल की भूमिका में? नहीं, मैं आपका क्वेश्चन प्रश्न में दोबारा रिपीट कीजिए, मैं समझ नहीं पाया जी। मैं ये जानना चाहता हूं, कई ऐसे अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, जो सिस्टम से दुखी रहे, त्रस्त रहे, परेशान रहे, जिसमें सूर्य प्रताप सिंह का भी नाम है, क्या आप उन अधिकारियों के प्रभाव में या उनसे कहीं ना कहीं सीख लेते हुए ऐसा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक रिवेल यानी कि एक क्रांतिकारी जैसा कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, बाकी अधिकारी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमने आपको बताया कि मेरी पहली चॉइस आईपीएस रही, मैंने आईएएस छोड़ के आईपीएस लिया, तो कहीं ना कहीं मेरे 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 जो है प्रेम को, मेरे क्या कहते हैं, मेरे चॉइस को दर्शाता है। मैं पुलिस सेवा में अपने शर्तों पर आया हूँ, अपनी भावनाओं के, अपने कार्य की क्षमता के आधार पर मैंने इस जॉब को चुना है, पहली चॉइस रखी है। लेकिन जब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ तो आज अच्छे अधिकारी हैं, कई लोग, कई तरह के अधिकारी देश में हैं और अच्छा काम करने वाले हैं, गंदा काम करने वाले भी हैं, तो ये अपना उनका अपना अलग इवेंट है, अपनी उनकी अलग अलग उनकी सोच है, अपने अपने उनके अपने अपने कारण है। लेकिन जो मेरा जो अपना जो 5 साल का अनुभव है वो यही बताता है कि हम जिस संविधान की मूल भावनाओं को लेके हम चीजों को कार्य करने का प्रयास करते हैं, जब ग्राउंड रियलिटी में जब ग्राउंड पे आते हैं तो तमाम तरह की बाधाएं आती है, चाहे वो किसी भी लेवल पर, किसी भी एंगल से कह लिए, तो उन बाधाओं में हम चाहते हैं कि इसमें कमी हो ताकि हम स्मूथ रूप से जो है जिले में है तो जनता के लिए काम कर सके, कहीं बटालियन पे है, कहीं किसी जगह तो हम जवानों के लिए बेहतरी कर सकें जो है। लेकिन जब ये पाते हैं कि आप हर जगह कहीं ना कहीं बाधाएं पाते हैं, चीजों में नकारात्मकता पाते हैं, तब अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जब हम खुद ही जो है नकारात्मकता के बोझ से तले दब रहे हैं तो हम अपने जवानों को, जो हमारे अधीनस्थ जवान है, जो कर्मचारी है, उनका मनोबल हम कैसे उठा पाएंगे जो है। तो कहीं ना कहीं आज की जो जरूरत है वो दंडात्मक प्रवृत्ति से हटके लोग, चाहे जनता हो चाहे पुलिसकर्मी हो, उसके 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 वास्तविक स्थिति, उसके उसके विज्ञान को समझने की जरूरत है कि उसकी कितनी आवश्यकता है काउंसलिंग की जो है ना। लेकिन चूंकि अब हम इस तरह से चीजों को इतने इस लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे जब चीजों को हम पाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है इसमें हम उम्मीद भी करते हैं कि चीजें संतुलित होनी चाहिए भविष्य में, और हम उम्मीद भी करते हैं कि समय में चीजें सुधरेंगी। पंकज जी, आप कहते हैं और मैं कोट करता हूं कि समाज की सेवा की भावना, संविधान को सर्वोच्च मानने की भावना रखने वालों की आवश्यकता है, वो दिन प्रतिदिन विलुप्त होते जा रहे हैं, बुरे अधिकारी व्यवस्था में दीमक की तरह व्यवस्था को चाट रहे हैं। आपको क्यों लगता है ऐसा, ये बुरे अधिकारी हैं और ये व्यवस्था को चाट रहे हैं, और ये कौन हैं, हम इनको चिन्हित क्यों नहीं करते? नहीं, देखिए, समाज हर तरीके की चीज़ों को सामने रखता है। जिस तरह का हमारा जो है वातावरण तैयार होता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे आम जनता हो, जिस तरह का एक मानस बनता है उसी आधार पे जो है समाज आगे बढ़ता है जो है। लेकिन जिस तरह से हम अगर सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की बात करें और उसमें भी अगर हम आईपीएस अधिकारियों की बात करें, तो मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि इस पुलिस सेवा अच्छे लोग भी बहुत हैं और गंदे लोग भी बहुत हैं। लेकिन जब नकारात्मकता ज्यादा हावी होती है तो जो अच्छा करना चाहते हैं, जिनका एक माइंडसेट है कि नहीं, हमने जॉब इसीलिए इस सेवा में आए हैं क्योंकि हमें कुछ करना है, हमें कुछ समाज के लिए करना है, हमें कुछ देश के लिए करना है, लेकिन जब उनको लगता है कि नहीं, नकारात्मकता काफी बड़े लेवल पर हावी है, एक पूरी तरह से गैंग इसमें है, पूरी तरह से एक इनका लॉबिंग है, तो फिर एक बड़े प्रयास की आवश्यकता होती है। तो मैं तो अपना सिर्फ ऐसा नहीं कि पंकज चौधरी को सिर्फ अपने लिए परेशान है, इसलिए पंकज चौधरी आपके सामने आके बातों कर रहा है,
ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो सोच है, हम जो संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, तो संविधान ने कभी किसी संकीर्ण बात के लिए बात कही नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग जो होती है उसके प्रति उसकी प्रादेशिकता होनी चाहिए। अगर कोई अधिकारी या जवान अगर उसको पुरस्कृत किया जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि उसको पुरस्कृत क्यों किया, और बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए कि नहीं इसको पुरस्कार मिला तो उसको सही कारण से पुरस्कार मिला है। अगर इसको दंड किया गया है, इसको कोई पनिशमेंट सरकार ने दिया है, तो ये भी उस व्यक्ति को भी पता होना चाहिए और साथ में उसके साथ जुड़े हुए लोगों को पता चाहिए कि आपको क्यों दंड दिया गया है। लेकिन जब कहीं भी एक तरह से संदेह रहता है तो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं बायस हो जाती है, कहीं ना कहीं चीजें जो है वो गलत रूप से सामने आती है। पंकज जी मैं क्या मानूं, चाहे राजस्थान में पंकज चौधरी का एग्जाम्पल हो, चाहे हरियाणा में संगीता जी का एग्जाम्पल हो, क्या पंकज जी अपनी बातों से ये चीज कह रहे हैं कि किसी गैंग ने या किसी कह सकते हैं एक नेक्सस ने इस चीज को अंजाम दिया है जो नकारात्मकता को बढ़ावा देता है सिस्टम में, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि अपने पुलिस विभाग को ले चाहे हम शासन को ले, नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों पहलू होते हैं। किसका प्रभाव कहाँ पे, ये प्रदेश और क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है। और जहां तक मैं, चूंकि अब हरियाणा का जो मैटर है उस मैटर से सिर्फ मैं इतना ही आपसे कह पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं गया हूं, लेकिन जो प्रथम दृष्टया चीजें निकल के आई है वो ये शो करता है कि इसमें बायस रूप से चीजों को को, 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 को को किया गया है। इसमें बहुत सी संतुलित रूप से कोई काम नहीं किया गया, इसमें एथिक्स जो है प्रॉपरली फॉलो नहीं किए गए हैं। मैं अपना जो मैं अपनी बातें जो कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पिछले 5-6 वर्षों से राजस्थान को बहुत करीब से देख रहा हूं, बहुत सी चीजों को मैं इन्वॉल्व रहता हूं, बहुत सी चीजों को मैं समझने का प्रयास करता हूं, लेकिन ये जरूर इतनी समझ जरूर आती है कि कहीं ना कहीं नकारात्मक तरह के लोग या नकारात्मकता जो है इस पूरे जो चीजों पे कहीं ना कहीं हावी रहती है और अपने हिसाब से चीजों को करवाने का प्रयास भी करती है। और इसमें जो है हमारे ऐसे लोग जो लोग बिल्कुल एक अच्छी एक भावना के साथ करना चाहते हैं, तो जब बाधाएं इनके द्वारा आती हैं तो इसको हम कोशिश करते हैं कि अपने लेवल पर चीजों को सॉर्ट आउट कर लें, लेकिन जब लगता है कि नहीं ये इससे काम नहीं बनने वाला तो चीजों को हम अन्य माध्यमों से रखने का प्रयास करते हैं, चाहे वो लेखन हो, चाहे हम किसी अच्छे अधिकारी से हम बात करते हैं तभी ये बातों को रखते हैं, अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं जो अपनी बातों को समझ सके। चलिए पंकज जी बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। पंकज चौधरी आईपीएस हमारे साथ जुड़े और आज उन्होंने जो लिखा है उस लेख को, उन्होंने कहा ये प्रेस रिलीज नहीं है, ये लेख है, भावनाओं का प्रकटीकरण है जो कि उन्होंने अपनी तरफ से किया है। उनका साफ साफ ये चीज कहनी है कि साहब अगर किसी को रिवॉर्ड दिया जा रहा है, अगर किसी को पुरस्कृत किया जा रहा है, तब ये पता चले कि भाई सिस्टम में क्यों उसको किया जा रहा है, किस वजह से किया जा रहा है, और अगर किसी को सजा दी जा रही है तो फिर वो सजा क्यों दी जा रही है ये भी पता होना चाहिए। उनका ये भी साफ साफ कहना है कि सिस्टम हो, ब्यूरोक्रेसी हो या फिर राजनीति हो, कहीं ना कहीं नकारात्मकता हावी है जो काम करने से रोक रही है ईमानदार पुलिस अधिकारियों को। पंकज चौधरी ने मुखर होकर के आपके चैनल जी राजस्थान न्यूज पर ये बातें कही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।